All right, good evening, good afternoon everyone. I'm audible to all of you. How are you all? Kaise hain aap log? I apologize for the delay in the class. Really, really sorry for the delay. थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से क्लास टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाई. ओके, चलो, वेरी नाइस, एवरीवन इज गुड. हाँ जी, सो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? यहाँ पर गलत लिखा है, बट टुडेज टॉपिक इज इंटरनेट एंड ईमेल. मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरनेट और ईमेल आपका टॉपिक रहने वाला है ना? या, सो इंटरनेट एंड ईमेल इज योर टुडेज टॉपिक. और दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि इस पे आपको रिविजन करके आनी है. सो आई गेस सबने रिविजन किया होगा, है ना? एवरीवन हैज डन द रिविजन. ऑलराइट, तो आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगी बिकॉज 2 बजे भी क्लास है. इट्स ऑलरेडी 1:10 और हमें 40 क्वेश्चंस आज कवर करने हैं, ठीक है ना? सो लेट्स बिगिन द क्लास. जो भी कंसेप्ट एज पर द एग्जाम पैटर्न, अब जो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा रही हूँ इसपे, इसी टॉपिक के PYQs भी अवेलेबल है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन में इंक्लूडेड है. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखिए SSB के, पिछले कुछ 3 या 4 सालों वाले, ठीक है ना? तो वो भी इंक्लूडेड है. न्यू क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है एज पर द एग्जाम पैटर्न, एज पर द लेवल ऑफ द एग्जाम. सो ध्यान से सब लोग देखेंगे और आंसर देंगे. हाँ जी, फर्स्ट का आंसर मिलना शुरू भी हो गया है. एग्जैक्टली, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रेमंड टॉमिलसन को. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पहला ईमेल प्रोग्राम बनाया जो पहले नेटवर्क पे चला था, ठीक है? बिकॉज ही इन्वेंटेड फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम. किस पर? जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क था, कौन सा था? आर्पानेट. सबको पता है इसके बारे में, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से. तो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल, ठीक है ना? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वेरी नाइस. वेरी नाइस एवरीबडी. हु इज नोन एज द फादर ऑफ WWW? WWW के फादर किसे कहा जाता है? हाँ जी, सो किसे कहा जाता है? इट इज टिम बर्नर्स ली. ही वॉज द वन जिसे कहा जाता है फादर ऑफ WWW. नाउ द पॉइंट इज, WWW है क्या, है ना? तो WWW का फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म? इट इज वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर शॉर्ट में अक्सर हम इसे वेब भी कहते हैं, है ना? और ये क्या है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंटरनेट. आपस में आप जब इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, यू कैन सी वेरियस वेबसाइट, वेरियस वेब पेजेस, है ना? तो उसका जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस करते हो ओवर एन इंटरनेट, उस इंटरकनेक्टेड सिस्टम, उस वेब पेजेस के जाल को हम लोग क्या कहते हैं? वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. तो वॉट इज इट? इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ वेब पेज, ठीक है? सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सेकेंड वन. चलिए, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. Question 3, question 4, रीड केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली. ध्यान से सब लोग रीड करेंगे और आंसर देंगे इन क्वेश्चंस का.
देखिए अब अभी तो दो क्वेश्चन शो हो रहे हैं, आई विल ट्राई कल के लेक्चर से एक ही क्वेश्चन शो करवाऊं आपको। ओके वेरी नाइस, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या बोला है? डैश इज अ रेफरेंस टू डेटा दैट रीडर कैन फॉलो बाय क्लिकिंग ऑन टैपिंग। एक रेफरेंस जब जिस पे आप क्लिक करते हो तो आप उस डेटा पे सीधा चले जाते हो जिसको आप सर्च कर रहे होते हैं या जो आपको चाहिए होता है। तो ऐसा क्लिकेबल फॉर्म क्या होता है, क्लिकेबल रेफरेंस फॉर्म क्या बोलते हैं? लिंक, दैट इज हाइपरलिंक, है ना? तो हाइपरलिंक इज द करेक्ट आंसर। हाइपरलिंक क्या होता है? रेफरेंस जिसपे आप टैप करते हो तो आप उस डेटा पे पहुंच जाते हो, उस चीज की तरफ पहुंच जाते हो, लिंक आपको मिल जाता है कि जो भी आपको एक्सेस करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। नेक्स्ट वन इज फाइंड द ऑड वन आउट। हमारे पास है यूसी, ओपेरा, सफारी, ई सेट। क्या आंसर होगा? एग्जैक्टली फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यूसी ब्राउजर, ओपेरा, सफारी ये सब के सब क्या है? ये सब के सब वेब ब्राउजर्स हैं, और जो इनमें से ऑड है, जो वेब ब्राउजर नहीं है, वो है ई सेट। ई सेट क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये एक वेब वायरस, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। ऑलराइट, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फाइव एंड क्वेश्चन सिक्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैन, सैन, पैन और वैन। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं ये, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया दे कवर। सो इनमें से ब्लूटूथ किसकी एग्जाम्पल है? हाँ जी बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? किसकी एग्जाम्पल है? पीएएन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? बाकी सबकी फुल फॉर्म सबको पता ही है। वेरी गुड, नॉट, इट इज नॉट लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल नहीं है ब्लूटूथ, पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है। इसके अलावा और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, बताइएगा? जो भी आप प्रिंटर्स, माउस, कीबोर्ड अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो दे फॉर्म अ नेटवर्क, वो उनके साथ कनेक्ट होके कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं। तो ये जो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो वो सब के सब पर्सनल एरिया नेटवर्क की ही एग्जांपल आती है, ठीक है ना? हाँ जी, तो सिक्स का आंसर भी यहाँ पर हमें मिल गया है। स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड एज, ईमेल जो आप करते हो जहां पे आपके मैसेजेस स्टोर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे एसएएन की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। एसएएन वैसे तो आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, बट इट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है? ये ऐसा नेटवर्क हो गया जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस से कनेक्ट करने में या उनके बीच की उनके साथ कम्युनिकेट करने में जो नेटवर्क होता है वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। इतना ध्यान रख लो, दिस इज द फुल फॉर्म, अदरवाइज इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर पेपर। चलो हो गया ये वाला, आगे बढ़े। सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं, एट्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर सेवन इज एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूजर आईडी फॉलोड बाय डैश साइन। यूजर आईडी होता है, यूजर नेम होता है, उसके बाद एक साइन लगता है, उसके बाद डोमेन नेम लगता है, किसमें? जो ईमेल एड्रेस होता है ना, जो भी आपका ईमेल आईडी या एड्रेस होता है, तो वो साइन कौन सा होता है हमसे ये पूछा है। तो ऑल ऑफ अस नो कि साइन क्या है, एट द रेट का साइन होता है, abc@gmail.com, लाइक दिस, है ना? बिल्कुल। एट का आंसर बताइए अभी सब लोग। सेवेंथ का बी है, एकदम करेक्ट। एट का आंसर क्या है? वेरी नाइस, एट का आंसर मिल रहा है ऑप्शन डी, और कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं। लेट्स सी
डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब. डॉक्यूमेंट्स जो कन्वर्ट होते हैं किस में, वो वेब पे पब्लिश किए जा सकते हैं. क्या आंसर है इसका? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग HTTP. इसका आंसर HTTP नहीं है, इसका आंसर है HTML. HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वेब मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है. इसको हम वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. अब ये क्या है? जो भी आपके वेब पेजेस होते हैं, जो भी पेजेस आप वेब पे पब्लिश करते हैं, वो एक वेब पेज में या जो वेबसाइट आपको दिखती है, वो जो डिजाइन दिखता है, वो सारा का सारा किसमें डिजाइन किया जाता है? बेसिकली एक वेब पेज, एक वेबसाइट आपके वेब पर कैसी दिखेगी, वो जो आउटलुक होगा उसका, वो जो उसका डिजाइनिंग होगा, वो किसमें बनाया जाता है? इसमें बनाया जाता है. ठीक है, कि वेब पेज कैसा दिखेगा. तो इसीलिए हम इसको वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज कहते हैं. सो दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ऑप्शन है आपका डी, नॉट बी. ठीक है ना? चलो, HTTP क्या है हम आगे पढ़ेंगे, आगे इस पे भी क्वेश्चन आएगा हमको. चलिए क्वेश्चन 9 and 10 देखिए. बोला है द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट. एक वेबसाइट क्या होती है? सबसे पहले तो सबको ये होना पता होना चाहिए वेबसाइट क्या होती है. इसकी फुल फॉर्म होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट बोलते हैं. अब एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं होम पेज ऑफ द वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, कोई शॉपिंग वेबसाइट खोलते हो, लेट्स से Amazon. तो Amazon का जो आपको फर्स्ट पेज दिखता है, जहां पे सारे फॉर एग्जाम्पल सेल्स, डील्स, ऑप्शंस, कैटेगरीज, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं, उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, है ना? तो आंसर इज फर्स्ट पेज. नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का जो कॉमन नेम है वो क्या है? ऑल ऑफ अस नो इट इज मॉडम, है ना? और मॉडम पे दो और तरह के क्वेश्चंस आते हैं. मॉडम क्या यूज करता है? टेलीफोन लाइंस. ठीक है, ये आता है. दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? ये किस तरह का सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो ऑल ऑफ अस नो कि ये एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है. एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कम्युनिकेशन बनाता है. तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. तीसरा क्वेश्चन, ये इनपुट डिवाइस भी है और ये एक आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है, इनपुट लेता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल में, और वापस से आउटपुट भी देता है एनालॉग सिग्नल्स में, है ना? तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस. तो ये तीन चार तरह के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल मॉडम पे बनते हैं. डेफिनेशन, यूज क्या करता है, और इसका मतलब कन्वर्जन क्या है एनालॉग टू डिजिटल एंड ऑल, और लास्ट वन इनपुट है या आउटपुट है, तो बोथ है. ठीक है, चलो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 देखिए. Which is not the feature of internet? इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है? Email, news group, chat and designing. 4 options are there. तो आप इंटरनेट को यूज करके ईमेल सर्विसेज यूज कर सकते हैं, राइट? न्यूज ग्रुप्स, आप ऑनलाइन न्यूज देख सकते हैं, उसके बाद चैटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन. डिजाइनिंग हम इंटरनेट पे नहीं कर सकते. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन. इनमें से कौन सा सर्च इंजन है बताइए. वेरी नाइस, 12th का आंसर मिल रहा है ऑप्शन सी. एग्जैक्टली, गूगल इज अ सर्च इंजन. और बाकी के तीनों जो हैं
ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। अब मुझे कोई बताएगा वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या फर्क है? सर्च इंजन भी हम इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए यूज करते हैं, चीजें सर्च करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज भी हम सिमिलर तरीके से करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच में? जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताओ, किसी का भी आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। आबिद हुसैन कहते हैं वेब ब्राउजर इज कार एंड इंजन इज कार इंजन। अच्छा, वेब ब्राउजर कार है और जो सर्च इंजन है वो उस कार का इंजन है। वेरी नाइस आबिद। हाँ, देखो मैं सिंपल वर्ड्स में तुम लोगों को समझा रही हूँ, ओके, इन अ वेरी सिंपल वे मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। ये जो वेब ब्राउजर होता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। और कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन काम क्या है? वही सर्च करना। लेकिन जो सर्च इंजिन होते हैं वो एप्लीकेशन नहीं होती, दीज आर बेसिकली वेबसाइट्स। जैसे google.com है आपका, google.com पे सर्च करते हो, गूगल की कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है जो क्या है, एक वेब ब्राउजर है। लेकिन google.com एक वेबसाइट है, काम बिल्कुल सर्च वाला ही करती है, गूगल क्रोम वाला ही करती है, लेकिन वो एक वेबसाइट है और जो क्या है, सर्च इंजन है। वैसे ही गूगल, बिंग, याहू, ये जो है ये तीनों क्या है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पूछ सकते हैं, ये तीनों ही आपके वेब सर्च इंजन हैं। और जो दिस वन, गूगल क्रोम, फ्लैश, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, यूसी, ओपेरा, ये सब के सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है एवरीबडी। चलो बढ़िया, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 13 का आंसर मैं आपको ऑलरेडी करवा ही चुकी हूं। थर्टीन के ये जो ऑप्शंस है ना, एग्जैक्ट ऑप्शंस ये रखना, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं 13th क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चार आपको बोला, बताओ कौन सा ट्रू है और आपको यहां से चूज करना है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, सो प्लीज कंप्लीट दिस वन। बिल्कुल, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमने पढ़ा टेलीफोन लाइंस का यूज करता है, ठीक है। दूसरा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नो लॉन्गर यूज इन सिक्योर नेटवर्क, ऐसा नहीं है, मॉडम्स का यूज सिक्योर नेटवर्क्स में किया जाता है और इसकी फास्ट ट्रांसफर रेट इतना नहीं है, इससे ज्यादा भी है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एनकंपासिंग टर्म दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, एक्सटर्नेट, इंटरनेट टू कंडक्ट कंपनीज बिजनेस। कंपनी अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए नेटवर्क यूज करती है, एक्सटर्नेट, इंटरनेट, इंटरनेट, ये सारे। और उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ई प्रोक्योरमेंट और ई बिजनेस।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आंसर है आपका ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा सेल कर सके। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देखते हो, है ना, तो वो सब किसकी एग्जाम्पल्स है, ई कॉमर्स की एग्जाम्पल्स है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म सब लोग मुझे जल्दी से बता देंगे, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, प्रॉपर फुल फॉर्म देना। तब तक 15 एंड 16 क्वेश्चन देखो। मॉडर्न वर्क करता है सेकेंड लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, बट लेयर्स मॉडल्स आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स। हाँ जी, प्लेलिस्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एग्जैक्टली। 15th का आंसर, एफटीपी कैन ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव इंटरनेट कनेक्शन। कोई भी कंप्यूटर जिसमें नेटवर्क कनेक्शन है, एफटीपी उसमें डेटा फाइल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। अब ये एफटीपी है क्या, तो क्या है एफटीपी, बिल्कुल सही, एफटीपी है क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, है ना, उन्हीं में से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, जल्दी से मुझे आप लोग इसका डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज द प्रोटोकॉल इन अ नेटवर्क, मुझे इसका डेफिनेशन बताएंगे। आंसर है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर, जैसे कि इसका नाम है, डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में फाइल ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, वन एंड टू दूसरे एंड हम लोग फाइल ट्रांसमिशन करते हैं, जहां पे नेटवर्क कनेक्टेड होता है। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल हुआ, व्हाट्सएप पे फाइल शेयर करते हो, मैं आपको टेलीग्राम पे फाइल शेयर करती हूँ, है ना, मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में आती है, ओवर नेटवर्क फाइल्स आती है, तो उस तरह की जो डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल बनाता है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स, बिल्कुल सही, सेट ऑफ रूल्स टू यूज अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगी, हर तरह के डेटा ट्रांसमिशन के लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, उन्हीं रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 देखो अभी। द WWW इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश दैट आर लिंक्ड टुगेदर ओवर द इंटरनेट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको ये पूरी टर्म समझाई थी, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी हमने WWW के बारे में पढ़ा, राइट, तो WWW क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ व्हाट, वेब पेजेस। अभी किया था हमने ये डेफिनेशन, तो ये आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेरी नाइस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, देखिए लैंग्वेज तो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये हाई लेवल का सिलेबस है, हमको बेसिक कंप्यूटर है, लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लैंग्वेजेस आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद बात रही कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन भी डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया है, बट एक बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आ गया था, इट वॉज नॉट गिवन इन द सिलेबस, तो यस आप वो पढ़ सकते हो। ओके, आंसर देखो, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वेबसाइट बोलते हैं, मैंने वेबसाइट का फुल फॉर्म आपको करवाया। दूसरा, एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, और वेरी फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ये भी हमने किया आज की क्लास में, सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DNS इज अ होस्ट नेम टू IP एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विसेज। DNS स्टैंड फॉर, DNS का फुल फॉर्म दिया है, सॉरी DNS का डेफिनेशन दिया है और आपको उसका फुल फॉर्म पूछा है, व्हाट इज इट।
बैंकिंग लेवल का करवाओ मैम, ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हो ना ये बैंकिंग एसएससी प्लस जेके एसएससी तीनों एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, तो दिस इज द लेवल ऑफ द एग्जाम. वेरी नाइस. द आंसर इज डोमेन नेम सर्वर, वो है डीएनएस का फुल फॉर्म. क्या होता है कि देखिए हम लोग भाषा समझते हैं कौन सी, इंग्लिश हिंदी ऐसी, कंप्यूटर कौन सी समझता है, जीरो और वन, राइट. तो जो हम इनपुट दे रहे हैं या हम एक नेटवर्क पे कुछ सर्च कर रहे हैं या कोई हमने वेबसाइट का नेम डाला, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट होती है उसका एक डोमेन नेम होता है. कोई भी वेबसाइट आप देखते हो ना, जैसे abc.com, ये भी एक डोमेन नेम है. xyz.in, ये भी डोमेन नेम है. ये जो डोमेन नेम होता है स्टूडेंट, ये जब आप एक सर्वर पे जाता है, नेटवर्क पे जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, इसके आईपी एड्रेस में. ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, जीरो और वन की भाषा में, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए कि हमने क्या सर्च किया है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा एक्स वाई जेड क्या है, abc.com क्या है, कंप्यूटर नहीं समझेगा, वो सिर्फ क्या समझेगा, जीरो और वन की भाषा. और उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, जो ये चीज की कन्वर्जन में काम करता है. चलो आगे बढ़ो. देखो क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है. ईमेल क्लाइंट होता क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, जैसे कि जीमेल है, हम जीमेल अकाउंट होते हैं जनरली हमारे, है ना, तो वो भी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. तो कौन कौन सा ईमेल क्लाइंट इसमें नहीं है. हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट सूट का पार्ट है, पता है हमें. ओएस एक्स मेल, ये भी ईमेल क्लाइंट है. लोटस, ये भी ईमेल सर्विस है. जो नहीं है वो क्या है, HTTP, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो आंसर क्या हो गया, डी. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज www फुल फॉर्म. पहले हमने तीन W वाला पढ़ा, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, अब चार W है, इसका फुल फॉर्म बताना है. मुनीब हो जाएगा अपलोड, डोंट वरी. बिल्कुल सही, द फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइड वेब वॉम, ये है इसका फुल फॉर्म. अब ये वर्ल्ड वाइड वेब तो हमने पढ़ लिया, कनेक्शन ऑफ वेबसाइट. वर्ल्ड वाइड वेब वॉम क्या है, दिस इज द फर्स्ट सर्च इंजन फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. पहला सर्च इंजन जो बनाया गया था वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, दैट इज www. बट ये 1984 में रिलीज हुआ, मतलब तब पहनाया तो बहुत पहले गया था, बट इसको जो रिलीज किया गया वो 1984 में किया गया, और तब तक बहुत सारे और सर्च इंजन भी मार्केट में आ चुके थे, दैट इज व्हाई इट इज नॉट दैट मच फेमस. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन 21, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. देखिए स्टूडेंट, तीन तरह के नेटवर्क्स जो आपको याद रखने हैं, एक तो इंटरनेट है ना, जिसको हम ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं, एक होता है इंट्रानेट, एंड द थर्ड वन इज एक्स्ट्रानेट. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच का डिफरेंस पूछा है. पहले आप ऑप्शन चूज कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन थ्री ऑफ देम. जगमोहन, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस नया आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे भी नहीं पता है. नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट येट, तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ ये चीज. ओके, एवरीवन इज आंसरिंग ऑप्शन डी. देखो क्या है ऑप्शन डी में, इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइडर एंड बेटर एक्सेस टू द वेबसाइट टू अ लार्ज पॉपुलेशन, वेयर एज इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड. बिल्कुल सही,
हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, आप ये वीडियो एक्सेस कर रहे हो यूजिंग इंटरनेट, राइट? मतलब इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू ऑल, हर कोई उसे एक पब्लिक नेटवर्क है, कहीं पे भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो ये है प्राइवेट नेटवर्क, नॉट अ पब्लिक नेटवर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का यूजिंग इंटरनेट ओनली, इंटरनेट से ही डिराइव करके खुद का नेटवर्क बना दिया कि अब उस नेटवर्क को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास क्या है, एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव द आईडी, पर्टिकुलर पासवर्ड, तो ही उनको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है। सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए ही जो नेटवर्क होता है, जिनके पास जो ऑथराइज्ड यूजर है, जिनके पास एक्सेस है, वही उस नेटवर्क को एक्सेस कर सके, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट, राइट? उसके बाद द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट लाइक इंटरनेट, इट इज ऑल्सो प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन फर्क क्या है कि एक्सट्रानेट में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स हैं वो तो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, बट जो उनके आगे रिलेटेड पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, या उनके और हम कह सकते हैं कि उनके काइंड ऑफ सिस्टर कंपनीज के जो मेंबर्स हैं जिनके साथ उनकी डीलिंग्स हैं, वो भी उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रानेट। इंटरनेट और एक्सट्रानेट रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं और इंटरनेट आपका पब्लिक नेटवर्क होता है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। चलो देखो क्वेश्चन 22 एंड 23, जल्दी जल्दी देखिए सब लोग, इट्स ऑलरेडी 141। क्या क्वेश्चन है? Which of the following services is used to log on to the remote computer that is attached to the internet? एक रिमोट कंप्यूटर पे, एक होस्ट कंप्यूटर पे जब आपको लॉग इन करना हो जो नेटवर्क पे कनेक्टेड है, उसके लिए हम कौन सा रूल या कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एग्जैक्टली, क्या आंसर है आपका? टेलनेट, ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन आए, नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू लॉग इन टू द रिमोट कंप्यूटर, हमारा आंसर होगा टेलनेट। एक और चीज जो इसके बारे में याद रखनी है, दैट इज द फुल फॉर्म। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीटाइप नेटवर्क, ये याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज इन ईमेल? हम सब ईमेल भेजते हैं, वो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन का पार्ट है, उसके लिए भी कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल पक्का यूज होता होगा, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल के लिए, बताइए? Exactly, your correct answer is SMTP. SMTP का full form भी सबको याद रखना है। What is the full form? It is Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol. अब बाकी तीन और यहां पर आपको protocols दिए हैं, आप लोग मुझे जल्दी से इनका comment में full form बता दो। Answer तो पता चल गया, बाकी तीन का भी full form बता दो। वेरी नाइस, एफटीपी का फुल फॉर्म हमने अभी देखा क्या होता है, एक क्वेश्चन किया हमने इस पे, इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एंड लास्ट वन इज एआरपी। एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी के साथ साथ आपको ये फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, ठीक है? तो ये हो गई फुल फॉर्म, वेरी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 एंड 25। क्वेश्चन 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स असाइंस आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है टू एनी डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क? कौन सा होता है? T
टीसीपी नहीं है, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वन एंड से दूसरे एंड में जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो वो टुकड़ों में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आपको आ रही है ना, जब यहाँ से वहां सेंड होती है तो कुछ टुकड़ों में होती है, पार्ट्स में होती है, KBs, MBs, ऐसे ऐसे करके। तो डेटा ट्रांसमिशन छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, दैट इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम है। उसके बाद है डायरेक्टली असाइंस आईपी एड्रेस, तो वो क्या है, DHCP। जब आपको बोला जाए ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, तो वो है DHCP। और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको अभी करवाया, इट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन देखिए SSB के एग्जाम में आया हुआ, दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, IPv6 एड्रेसेस आर कितने बिट लॉन्ग होते हैं, एग्जैक्टली। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, IPv4 दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 का एड्रेस और IPv6 का एड्रेस कितना लॉन्ग है ये पूछा जाता है, तो 6 का कितना है 128 बिट लॉन्ग, और IPv4 कितना लॉन्ग एड्रेस है, दैट इज 32 बिट लॉन्ग एड्रेस, ठीक है। सो दीज आर द टू पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर। चलिए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, 26 एंड 27। देखो क्वेश्चन 26 क्या है, Which of the following displays the name of the web page in Internet Explorer browser? आप कोई Internet Explorer ही नहीं, कोई भी browser आप use करते हो, तो कहाँ पर आपको web page का name जो है वो display करता है? कोई भी website आपने खोली है, particular web page आपने access किया हो, तो उसका जो आपको address दिखता है, वो कहाँ पर दिखता है? Is it in the menu bar, title bar, address bar or standard toolbar? कहाँ दिखता है हमें? Browser जब हमारा होता है, हम कुछ भी search करते हैं, top पे ऐसे एक bar आता है, जहां पे वो पूरा एड्रेस आता है, जो भी पेज या वेबसाइट हमने ओपन की होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, एड्रेस दिखाता है हमें, ठीक है। इट इज नॉट एड्रेस बार, इट इज टाइटल बार, पढ़ने में लगता है एड्रेस होगा, आंसर इज टाइटल बार। आगे नेक्स्ट देखो, DCC इन ईमेल, हम ईमेल करते हैं, हमारे पास दो फीचर्स होते हैं, एक होता है CC, एक होता है BCC। तो BCC का फुल फॉर्म आपको पूछा हुआ है, तो सबको पता है इट इज व्हाट, ब्लाइंड, नो ये वाला है, हाँ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी। और CC का फुल फॉर्म क्या है इसके साथ, ये भी बता दो। BCC का पता चल गया, CC का फुल फॉर्म भी बता दो। और उसी के साथ देखो क्वेश्चन 28 और क्वेश्चन 29। Exactly, it is carbon copy. देखो अब question 29. The first web browser invented by, पहला web browser किसने invent किया था? ये question है आपका. Exactly. पहला web browser के inventor कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। और WWW के भी इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था? WWW। लेकिन दिस इज नॉट द सेम एज जो हमने वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा है, तो वही है बट एग्जैक्ट नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ वेब पेजेस है, वो एक वेब है और ये वेब ब्राउजर है, वेब को ब्राउज करने के लिए जो एप्लीकेशन बना, लेकिन इसका नाम और जो हमने वेब पढ़ा उससे क्या हो रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, दोनों का नाम सेम था। तो लेटर ऑन टिम बर्नर्स-ली ने इसका नाम चेंज कर दिया और फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम क्या रखा गया, नेक्सस। तो अगर आपके पास ऑप्शन में ये हो ये भी सही है, अगर इसकी जगह ये हो तो ये भी सही है, जस्ट टू एलिमिनेट द कंफ्यूजन बिटवीन द टू, नाम नेक्सस रख दिया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर अनअवेलेबल, डैश आर यूज फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, जहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होते हैं वहां पे हम कौन से तरह के नेटवर्क्स को, वायरलेस नेटवर्क्स को यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए? किसी का आंसर मिल रहा है वाईफाई, किसी का आंसर मिल रहा है यहाँ पे
सबको लग रहा है यहाँ पे वायरलेस वाईफाई कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर बोला है वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर अनअवेलेबल, जहां पे हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं पहुंचा सकते, फॉर एग्जाम्पल DSL सर्विसेज, फाइबर ऑप्टिक सर्विसेज या फिर केबल मॉडम सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज हम जहां एरियाज में नहीं पहुंचा सकते वहां पे क्या यूज होती है, सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, क्या पहुंचाने के लिए, नेटवर्क पहुंचाने के लिए, बेसिकली कहां पे, इन रूरल एरियाज, है ना। अब आप देखो कि जैसे आर्मी कैंप्स होते हैं, आर्मी आर्मी के मेंबर्स की जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ नहीं होती है, अब हर जगह नेटवर्क प्रोवाइड करना, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे हम कैसे केबल सेटअप करेंगे, पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए किस तरह की नेटवर्क कनेक्टिविटी का यूज किया जाता है, सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी का यूज किया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर हुआ सबको ये, आगे बढ़ो क्वेश्चन 30-31 देखते हैं जल्दी से। DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन, अभी बोला मैंने विद द क्वेश्चन, बताओ जल्दी। तो DSL क्या है, DSL का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, DSL क्या है, इट इज डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, ये है इसका फुल फॉर्म, और ये क्या है, एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ठीक है, टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज। तो आंसर क्या हमारे पास होगा, डी। और अक्सर ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म, इट इज ब्रॉड बैंडविड्थ, ये है इसका पूरा नाम, जो हम शॉर्ट में ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसपे पूरा इंटरनेट काम करता है वो कौन सा है, सबको पता है, जिसे हम बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, तो कौन सा है, ऑल ऑफ यू नो, इट इज TCP/IP प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी सबको पता होना चाहिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज द स्टैंडर्ड मेजर बैकबोन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, एक ऑफ अ नेटवर्क। ऑलराइट, वेरी नाइस, सबको पता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो फिर 32 and 33, क्वेश्चन नंबर 32 इज Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web-based information? Basically, हर कंप्यूटर पे हम web-based to web पे जो information available है हम वो access करते हैं. Which communication protocol allows that to access? बताओ कौन सा है ये? Is it XML? XML तो नहीं है, ये तो एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है, DML भी नहीं है, HTTP, HTML, DML, XML, HTML, ये तो मार्कअप लैंग्वेजेस है, वेब मैनिपुलेटिंग लैंग्वेजेस है तीनों, बचा क्या, एक ही प्रोटोकॉल है हमारे पास, इट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप कुछ सर्च करते हो तो अक्सर आप लोग देखते हो उसके पहले ऐसे आता है कुछ HTTP www.abc.com ऐसा आता है ना आपका URL, है ना। तो ये जो HTTP है इसका क्या काम होता है, जो भी आपका एक सर्वर के साथ कनेक्शन मेंटेन करना, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम अ सर्वर, एक नेटवर्क पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको चाहिए, दिस हेल्प्स यू टू एक्सेस दैट, ये आपका HTTP रिक्वेस्ट जाता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्स, इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कौन हेल्प करता है उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए, लिंकर्स, प्रोटोकॉल्स, केबल्स और URL, आंसर ऑलरेडी मिल रहा है कमेंट में, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज URL, ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिस इज एक्चुअली अ URL जो आपको एड्रेस बार टाइटल बार में दिखाता है, नॉट इन द एड्रेस बार, टाइटल बार में जो आपको दिखाता है वो होता है URL, ठीक है, बेसिकली द एड्रेस, द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर
वेब पेज या इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका एड्रेस जो होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म सबको याद रखना है, इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो भी इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल है कहाँ पर, इंटरनेट पर, उसे लोकेट करने वाला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, बढ़े आगे। जब आप एक HTML लैंग्वेज में कोई भी कोडिंग करते हो तो आपको कौन सा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? इज इट ब्राउजर, इज इट इंटरनेट, इज इट टेक्स्ट एडिटर और इज इट सर्च इंजिन? ब्राउजर पे तो हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं लिख सकते, इंटरनेट पे तो एक्सेसिंग होगी, सर्च इंजिन सर्चिंग के लिए तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टेक्स्ट एडिटर, जैसे जनरली हम माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हैं क्या? वेट, माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं? नोटपैड, है ना? तो नोटपैड भी क्या है आपका? एक टेक्स्ट एडिटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। जब भी आप सर्च इंजन से या वेब ब्राउजर से कुछ भी सर्च करते हो और आपको वो एग्जैक्ट चीज सर्च होके मिल जाती है तो उसे हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिट, कि मतलब जो भी हमें चाहिए था वो हिट हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? हिट कहते हैं। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 35। आपका टाइम हो चुका है तो मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। देखो क्वेश्चन 36 क्या है। अब कुकी, इंटरनेट कुकी क्या होती है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय यूजर्स, पासवर्ड ऑफ द यूजर, कमांड यूज्ड बाय द यूजर। तो कुकी क्या स्टोर करता है? कुकी क्या होती है? एक्सटेम्पररी मेमोरी लोकेशन, ठीक है, आपके वेब ब्राउजर की। जो क्या स्टोर करती है? जो भी आप एक्टिविटीज करते हो वेब ब्राउजर पे, जो भी चीजें आप सर्च करते हो, जो भी आप वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हो, वो आपकी एक्टिविटीज को क्या कर लेता है? टेम्परेरीली सेव कर लेता है, ताकि आप वो चीज दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। सो आंसर क्या हो गया? इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन, द लास्ट थ्री लेटर्स ऑफ द डोमेन नेम। जैसे एक डोमेन नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से abc.com, ठीक है, xyz.in, xyz.edu, तो ये जो लास्ट वाले लेटर्स होते हैं दीज, ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? लास्ट लेटर्स ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब्स द, एग्जैक्टली, डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम। फॉर एग्जाम्पल com है तो आप बोल सकते हो कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, .in है तो मतलब इंडिया की वेबसाइट है, .edu है तो ये बताता है एजुकेशनल वेबसाइट है, इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है वो हमें ये बताता है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 38 एंड 39 इजी वंस। देखो क्वेश्चन 38 क्या है, जंक ईमेल्स को हम और क्या कहते हैं? जंक मतलब अनवांटेड वेस्टेड ईमेल्स, जो अनवांटेड ईमेल्स हमें आती हैं हम उन्हें और क्या कहते हैं? देखो ट्रैप, स्पूफ, स्निफ्टर स्क्रिप्ट और स्पैम। तो ऑल ऑफ अस नो हम जंक ईमेल्स को और क्या बोलते हैं? स्पैम ईमेल्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब अनवांटेड। कई बार आपको बोला जाता है अनसोलिसिटेटेड ईमेल्स, अनसोलिसिटेटेड ईमेल्स, तो वो भी आपकी जंक ही है। वर्ड्स चार है, मतलब वही है। ओके, 39 का आंसर भी मिल गया है, यहाँ पे डी मिल रहा है। HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स HTML टैग्स जो होते हैं, जब भी आप HTML की कोडिंग करते हो, HTML में आप कुछ भी लिखते हो तो आप टैग्स का यूज करते हो, तो वो जो टैग्स होते हैं वो कुछ ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड होते हैं, और वो कौन से ब्रैकेट्स होते हैं? वो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले, ऐसे वाले। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे एबीसी मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट पे बोल्ड दिखाए, तो मैं ऐसे बोल्ड टैग को ओपन एंड क्लोज करूंगी, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं। ठीक है, आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन,
stored link to a web page in order to have a quick and easy access to it later is called as. आप अक्सर कोई चीज सर्च करते हो और आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम मुझे वापस ये ढूंढना ना पड़े, मैं इसको ब्राउजर पे ही उस लिंक को सेव कर देता हूँ. तो उस लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? वीपी लिंक, बुक मार्क, फील्ड और लेंथ, व्हाट डू वी कॉल इट? एग्जैक्टली, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर, बुक मार्क. है ना, जो भी लिंक है हम उसको बुक मार्क करके रख देते हैं. कई बार हमारे पास ब्राउजर्स में ऐसे टॉप पे जहां पे आपका टाइटल बार होता है ऐसे स्टार सा दिखाता है, जब आप उस पे स्टार पे क्लिक कर देते हो तो वो एज बुक मार्क सेव हो जाता है. होता है ऐसा? तो वो क्या हो रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सर्च करना चाहते हो तो आपको वापस सब कुछ सर्च ना करना पड़े, आप डायरेक्टली उस सेव्ड बुक मार्क पे जाओ और आपको वो लिंक इजिली मिल जाए. है ना? ऑलराइट, सो दीज आर द क्वेश्चन जो हमें आज करने थे. हमने इंटरनेट, ईमेल पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको पहले ही बताया, बैंक एसएससी, जेके एसएससी, सबके क्वेश्चंस को मिक्स करके मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं. ठीक है ना? अब एक और चीज जो कल का आपका टॉपिक होने वाला है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज करके आ जाओ. तो कल मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. कल हम माइक्रोसॉफ्ट सूट के टॉपिक शुरू करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको रिवाइज करके आना है. ये सॉफ्टवेयर कल हम इससे सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट, मैं पीडीएफ भेज दूंगी आज सभी लेक्चर्स का. ठीक है, सो इट्स ऑलरेडी 2:01. अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ, 5 मिनट का रेस्ट ले लो. 5 मिनट के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी दिव्यांश सर की क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी. टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.